दोस्तों मेरी मम्मी कुछ सामान ला रही है, मतलब भेजी है आज सामान गाड़ी से। वो तो हर बार भेजती है, लेकिन आज हम इतना बड़ा खुलासा करेंगे ना कि मेरी मम्मी ना शौक से या प्यार से चीजें नहीं भेजती है, मजबूरी में भेजती है। और वो मजबूरी क्या है ना, वो आप सब सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि आप सब सोचते हो कि ये सब प्यार से आता है और मेरी जरूरत रहती है इसलिए भेजती है, बट ऐसा नहीं है, मजबूरी में भेजती है। मम्मी सुन रही होगी, देख रही होगी ये वाली वीडियो, तो मम्मी को भी बुरा लग रहा होगा। और देख रहे पजामा, पजामा तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे दोस्तों। तो ये देखिए, जंग शुरू हो चुका है माँ और बेटे के बीच में। जब से ये थैला आया है तब से इस तिलस्मी थैले को खोलने के लिए किशु बेकरार हो गया था, और तब से ये अपनी माँ को जाके बात पे यहाँ प्रकाश डालिएगा, पैसा नहीं रहता है। लेकिन अभी बोली कि अयोध्या गई थी, फिर बोलबम गई थी, तो इस पे प्रकाश डालो। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांता अभी अपने वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 8, और आज दिन है रविवार, है ना। आज हम सब ने बहुत कुछ सोचा था कि आज कुछ करेंगे, कि मतलब सप्ताह भर का जो बोरियत वाला दिन है ना वो सारी दूर करेंगे, घर का कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है वो करेंगे, साफ सफाई से लेकर के बिछावन को धूप में लगाना वो सारी चीजें करेंगे। मगर बारिश ने सारे सपनों पे पानी फेर दिया, हमारी जो उम्मीदें थी आज रविवार से वो सारा मतलब चला गया। दोस्तों आधी रात से इधर जो बारिश हो रही है कि क्या ही बोले, रात से हमको टेंशन हो गया। उस रूम में जितना बिछावन है सारे में बच्चों ने पानी गिरा दिया, 2 दिन से बिछावन वहीं पे उठा करके रखा हुआ है। हम नहीं गिराए मम्मा, ये लड़की गिराई है। वो लड़की है, दीदी गिराई। तो राधे राधे बोलो पहले। राधे राधे लाडी ले मोबाइल आ गया, देख लीजिए। हाँ हाँ देख लिया, नया मोबाइल से तो वीडियो जा रहा है। खराब मोबाइल, वीडियो नहीं और बोलने नहीं देता। तो उस रूम में सारा बिछावन है, हम सोचे कि आज धूप लगाएंगे, लेकिन आज भी नहीं लग पाएगा दोस्तों। और हम जानते हैं बाद में नहीं लगा सकते, इसलिए कि वो लोग बाहर तो करके चला जाएगा, मगर अगर बारिश हो गई तो उसको उठा के हम कमरे में नहीं ला सकते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वीडियो बोरिंग नहीं होगा, वीडियो को इंटरेस्टिंग ही बनाया जाएगा। दोस्तों मेरी मम्मी कुछ सामान ला रही है, मतलब भेजी है आज सामान गाड़ी से। वो तो हर बार भेजती है, लेकिन आज हम इतना बड़ा खुलासा करेंगे ना कि मेरी मम्मी ना शौक से या प्यार से चीजें नहीं भेजती है, मजबूरी में भेजती है। और वो मजबूरी क्या है ना, वो आप सब सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि आप सब सोचते हो कि ये सब प्यार से आता है और मेरी जरूरत रहती है इसलिए भेजती है, बट ऐसा नहीं है, मजबूरी में भेजती है। मम्मी सुन रही होगी, देख रही होगी ये वाली वीडियो, तो मम्मी को भी बुरा लग रहा होगा कि कैसी बेटी है, मेरा इंसल्ट करती है सबके सामने। मगर आज हम मम्मी का खुलासा करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो जब सामान आ जाएगा ना मेरे पास फिर हम दिखाएंगे भी और सबसे बड़ा खुलासा भी करेंगे। अब तक हम ये बात नहीं बताए, बट आज बताएंगे। और हस्बैंड से मैंने कहा थोड़ा सा बर्तन क्लीन कर दो, तो वो बर्तन क्लीन कर रहा है। तो मैं इधर रसोई में बैठी हूँ, बना रही हूँ नाश्ता, और देख रहे ये आदमी बन रहा है आज बारिश में जाने के लिए। वो जो देखते होंगे जो विलेन लोग होता है वैसे ही लगता है ना, ब्लैक ब्लैक वैसा वाला नहीं, ऐसा वाला बेलेन से मारेंगे ना बिलेन हो जाएगा। और देख रहे पजामा, पजामा तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे दोस्तों, लड़की का पजामा भी पहन लेता। आप लोग अच्छे से कमेंट करते नहीं है इसके ऊपर, हम जो जैसा कमेंट चाहते हैं ना वैसा आप लोग नहीं करते। कोई लड़का कोई लड़की, तुम लोग जींस कैसे पहनते हो, टी-शर्ट कैसे पहनते, साड़ी पहनो, स्पोर्ट्स शूज कैसे पहनते, साड़ी पहनो, हम गाना गाएंगे गुलाबी नहीं, जब साड़ी भी जींस पहनेगा, पहन तो रहा है, फैशन करेगा, साड़ी पहन तो रहा है, पूरा A to Z मेकअप। और दोस्तों मेरे कमरे की हालत, एक गाना सुन रहे हैं, देख मेरे कमरे की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बरस गया बरसात। गाना बना दे, ए लेके आना जल्दी से, हेलमेट नहीं, अच्छा मेरा वाला पहन लिया है, बिछाओ। हाँ नहीं मोड़ के लंबा लंबा ही बिछाओ, हाँ
वैसे भी इसका प्लेट में भी देते हैं ना हम लोग इसका थाली में, तो ये गिरा देता है, पलट देगा और उसके बाद जमीन से ही खाता है। खाओ दोस्तों, जिनको जिनको चाय रोटी बहुत पसंद है आइएगा, हमको सत्तू का रोटी और चाय, चाय में डुबा दी। पापा गजर, पापा कहाँ गए? पापा समाधान। जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो। चुप रहिए, इन लोग हमको मौत के करीब पहुंचा देगा दोस्तों। खाना खिलाए, आप कहे बैठ के खेलो, आधा घंटा से इतना परेशान किया दोनों, मेरा खोपड़ी में दर्द हो गया। अब फाइनली हमको ये बटरिया पहनना पड़ा। एक तो इतवार है, ऊपर से बारिश का बौछार है, अब बताइए बच्चा लोग यहाँ पे बैठ के मेरे सर पे तांडव करेगा, हम क्या करें? घर में टीवी है बट टीवी चलता नहीं है, पैर है पर पैर चलता नहीं है, ये बच्चा लोग जो 24 घंटा चलते हैं, इनका बैटरी डाउन होता नहीं है, हम क्या करें इस बुढ़ापे में बताइए। हाँ, इन लोग परेशान करके पागल करके रख देगा, खास करके ये लड़का। तुम्हारा तारीफ नहीं कर रहे, मंद मंद मुस्कुरा रिया है, चुगली हो रही है तेरा। देख रहा, नेल कटर, नेल तो काटेंगे साथ में तेरा ना, काट देंगे। अभी बैठ के ना पढ़ेगा, समझ गया ना? तेरी टीचर जो ऐसे टेढ़ा सीधा लाइन सिखाई वो सब खींचेगा। लाई रख कॉपी, चलो इधर बैठो दोनों, सबसे पहले बैठो, तेरा नेल काटेंगे तुम लोग दोनों का। गेट बंद करके लाओ, इसका भी पेंसिल निकाल के लाओ। पागल, दो है इसमें। चलो, और दोस्तों क्या ही बोले, अभी तक किसका पापा नहीं आया, आएगा तो ढेर सारा माल लेके आएगा दोस्तों, माल लाएगा तेरा पापा। अरे कुछ बोलता है, अरे इसके बाद में मत आइएगा, पागल है। देखिए मेरे पास एक ऐसा पेंसिल है जिसमें टेबल लिखा हुआ है। टेबल तुमको लिखने आता है, इसको टेबल सिखा रहे 15 तक का, बीच बीच में से सारे डिजिट गायब कर देती है, क्या बोले। पेंसिल का लड़ाई है, वही आप लोग को दिखा रहे हैं कि देखिए यही सब चलते रहता है एकदम साइड से, कितना आप अच्छे मूड में रह पाइएगा। देखिए जो पेंसिल उसके पास है वही पेंसिल इसको चाहिए, और जो इसके पास रहेगा वही उसको चाहिए। हाँ, ये आपका इंतजार था। कहो डिलीवरी आदमी, इतना देर लगाओगे? खुद के लिए दही लेके आया इसका पापा, दही और रोटी खाएगा, समझे? डोबो, क्या डोबो? अभी सावन चल रहा डोबो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं आया अभी। हाय हाय, मौका मिले कभी कभी। बोलो बड़ी कहाँ गया? चलो करो ब्लूटूथ से कनेक्ट। तो ये देखिए, जंग शुरू हो चुका है माँ और बेटे के बीच में। जब से ये थैला आया है तब से इस तिलस्मी थैले को खोलने के लिए किसु बेकरार हो गया था, और तब से ये अपनी माँ को जाके उंगली कर रहा है, जल्दी खोलो, क्या है जल्दी खोलो दिखाओ। और बारिश, सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन इसके बावजूद इसने उठा के मुझे,
मुझे उठा के ये भेज दी, जाओ जल्दी जाओ गाड़ी निकल जाएगा, शगुन की नानी का भी फोन आ रहा था गाड़ी चला जाएगा, वहीं भेज दो वहीं रहने बोलो। तो अब ये पिटारा तिलस्मी झोला खुल रहा है और अभी प्रीति एक एक करके निकालते जा रही है सामान, उधर सब प्रीति जी निकाल रही हैं। आगे नहीं पीछू जी। जी प्रीति जी, पीछू नहीं आगे जी। जी प्रीति। और शगुन उधर सैड है, बेचारी उदास हो गई है, कुछ भी नहीं छू रही है, नहीं रहती है। और किशु ही सब कुछ उठा रहा है, किशु अपना सामान उठाने में लगा हुआ। पीछे देखा, पीछे पीछे वहां से देखा, किशु को चॉकलेट मिल गया, किशु को चॉकलेट मिल गया, लेकिन शगुन इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, शगुन को चॉकलेट नहीं चाहिए। चुप, ऐसे ही करता है, किसी को कुछ नहीं चाहिए। हल हो गया। सारे सामान का सच्चाई बताएंगे दोस्तों, सच्चाई कि ये क्यों आता है मेरे घर से, ठीक है? ये सच्चाई से पर्दा फास करेगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना पति को ना पत्नी को ना पति के पति को क्या छोड़ेगी तुम हमको, इसमें मेरा झोले से मेरा क्या कनेक्शन है, मतलब तुम्हारा तो पर्दा फास करिए रे। देखिए तो एक क्या है, अमरूद एक है, अमरूद है छोटा सा, एक पीस अमरूद है, एक पीस कुंदरी है, आगर, अच्छा तीन चार अमरूद है, कुंदड़ी है, तुम बैठो उधर, शगुन अच्छे से बैठ जा बेटा, पैर सी अच्छे से। हाँ देखिए इस बार सीता वाला नहीं आया है। और हाँ बता दे कि मम्मी गई थी देवघर बोलबम, ठीक है, तो मम्मी को भेजना था एग्जैक्टली सिर्फ प्रसाद, वेयर इज प्रसाद, तो इसमें है प्रसाद पेड़ा, पेड़ा है बोलबम का, जो सबसे फेमस और खाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और मेरे पास आना था सिर्फ इतना, ठीक है, ये आना था, लेकिन गलती से ये सब और बाकी सारी चीजों का मैं सच्चाई बता रही हूँ दोस्तों, वही सच जो हम अभी शुरू में बोले थे कि खुलासा करेंगे। एक्चुअली गाड़ी आया है, गाड़ी से 80 किलोमीटर दूर ना 80 किलोमीटर दूर से ये सारी चीजें आई है बाय बस। अब बाय बस को अगर ये मिल जाता तो इतना का भी 60 रुपए लेता और इतना का भी 60 रुपए लेता, मतलब उसके लिए इसके पापा बहुत तेज हैं। इसके लिए मम्मी क्या करती है ना, स्टोरी आगे बढ़ा तो काम करे, तो ये थी कि इतना सारा क्यों आ गया, क्योंकि 80 रुपए लग जाता है भाड़ा। हाँ दोस्तों, हाँ बता रहे हैं, ये सारा सामान मेरी माँ भेजती है ताकि पैसा वसूल हो जाए गाड़ी का, और मेरी मम्मी पास दोस्तों पैसा नहीं रहता, रोते रहती है पैसा नहीं है पैसा नहीं है, और सच में पैसा नहीं है। बेटी का देखिए क्या लिखा, क्वीन, ये क्वीन है, रानी। मम्मी गई थी बोलबम, तो गाड़ी वाड़ी का भाड़ा लगता है, उससे पहले गई थी अयोध्या, वहाँ पैसा लगा, घूमते रहता है। अच्छा एक बात पे यहाँ प्रकाश डालिएगा, पैसा नहीं रहता है, लेकिन अभी बोली कि अयोध्या गई थी फिर बोलबम गई थी, तो इस पे प्रकाश डालो। अपनी माँ का तुम लोग, वो तो नहीं घूमती कहीं, सी इज माई मदर, वो तो कहीं नहीं घूमती, जहाँ जाना वहाँ जाएगी, जैसे जाना वैसे जाएगी। एक्चुअली इसकी मम्मी को लोग नहीं, इसकी मम्मी को लोग लेके जाते हैं, क्योंकि थोड़ी तेज तरार है और दुनिया घूमी, बहुत तेज तरार है, थोड़ी तेज तरार है, और घूमने के बहुत शौक भी रखती है, और सब समझना, हम फिल्म है और ट्रेलर है। और इधर ये छोटा वाला फिल्म है जो अभी लॉन्च हो रहा है, ये शॉर्ट फिल्म है, उधर भी। तो मम्मी वहीं पे गई थी दोस्तों, और ये सारा सामान भेज दी बेचारी, थोड़ा थोड़ा जमा करके, बहुत मुश्किल से, पैसा उनके पास नहीं है, देखिए गरीब, जल्दी करो, 5 मिनट हो गया। हाँ कोई बात नहीं दोस्तों, 5 मिनट हो जाए, मेरे परिवार है तो समझ जाते हैं। अरे इसमें है दोस्तों 2 टी-शर्ट है बोलबम का, पिछले बार सिर पे एक आया था उस लड़के का, गलती से एक दिन ये पहन ली, मार पीट के छीन लिया गया, माँ को बोले जो भेजेगी मेरे घर 2 भेजना, नहीं तो नहीं, नहीं पता है आतंकवाद हमारे घर में है, एगो हाँ साला मार धूर के एगो चॉकलेट खा लेगी ना, वो मुंह मस निकाल लेता है, ऐसा बात है। चलिए दोस्तों, कहीं कुछ ऊपर नीचे होगा तो माफ मत करिएगा, क्योंकि माफी के लायक नहीं है हम, और चलिए बोलबम का प्रसाद खाते हैं सब लोग मिलके, बोलिए जय बाबा भोले बाबा बोलबम, बाबा एक सहारा है, बोलबम का नारा है, बोलबम का नारा है, बोलबम बोलबम।